वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सॉफ 101 का पैसा कैसे निकाले, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। चलिए इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो कृपया आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले आपको क्या करना, सॉफ 101 एप्लीकेशन जो है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने में मैं आपको दिखा दूँ बैलेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। मेरे पास जो है पिछले वीडियो में बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आते कि भाई क्रेडिट बैलेंस निकल नहीं रहा है, क्यों निकल रहा है, क्या करूँ मैं इसका बैलेंस का, इतना सारा बैलेंस मेरे में आया हुआ है। ऐसे में से बहुत सारे दोस्तों मेरे से पूछा करता था, ठीक है। तो खास करके मैं ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाया हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके बारे में, क्रेडिट बैलेंस जो है कभी निकाला नहीं जाता, इसको आप सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और ये ऑफर चलता है तो आप पूरा का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यदि ऑफर नहीं चलता है तो आप थोड़ा ही परसेंट, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मंगवाते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि 25%, 30%, 50% का ऐसे डिस्काउंट मिलता है। यदि आपका क्रेडिट बैलेंस अच्छा खासा हो तो आप क्रेडिट बैलेंस आप इसमें से नहीं निकाल सकते, आप इसमें से बैलेंस नहीं निकाल सकते। यदि आपका इनकम हुआ हो, यदि कोई भी आपका इनकम होता है, ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि आप कस्टमर के लिए कोई प्रोजेक्ट मंगवाते हैं या आप कोई भी अपने लिए कोई दोस्तों के लिए कोई प्रोजेक्ट मंगवाते हैं, तो आपको जो इनकम होता है, जो आपका जो चार्ज, जो आपका जो पेमेंट होता है, वो आपका चार्ज पैसा जो है आपको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कंपनी वाले कर देता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। मेरी ऑर्डर सक्सेसफुल होने के बाद जो आपका कमीशन होता है वो आपको 7 दिन के बाद यदि रिटर्न नहीं करता है ये प्रोजेक्ट, तो आपका कमीशन, आपको पेमेंट, आपका आप जो कमीशन मिलता है आपको 7 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है, 7 या 8 दिन के अंदर में, ठीक है। मतलब यदि आपका कस्टमर रिटर्न नहीं करता है तो इसमें अच्छे खासे आपका कमे हो जाता है, तो वो आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट बैंक से आप इस पैसे नहीं निकाल सकते। एक जानकारी था इस वीडियो में मेरे दोस्त। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके